बचपन में ये वाली सब्जी मेरी मम्मी बहुत बनाकर खिलाती थी हम लोगों को, बड़ी स्वादिष्ट लगती थी। मैं भी बनाती हूँ, कई बार बनाई है, पर आप लोगों के साथ में इसकी प्रॉपर रेसिपी मैंने कभी भी नहीं शेयर की हुई है। आज मायके में ये वाली सब्जी मैंने बनाई हुई थी, सोचा चलिए रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। यहाँ पर मैंने ले लिया है बेसन, बेसन में ऐड किया हुआ है ढेर सारा हींग, नमक ऐड कर दिया है स्वाद के अनुसार, और यहाँ पर ऐड कर दिया है मैंने अजवाइन, अजवाइन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही साथ लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है, और यहाँ पर ऐड करेंगे हम मस्टर्ड ऑयल। बेसन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसको तेल को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका बढ़िया सा एकदम सख्त डो लगाएंगे। बेसन मैंने इसलिए ज़्यादा लिया हुआ है क्योंकि जब इसकी सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो चाय के साथ में नाश्ते के लिए इसकी नमकीन कतली भी फ्राई की जाती है, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है चाय के साथ खाने में। आप ऐसे भी खा सकते हैं चटनी के साथ भी, तो ये एक पंत दो काज हो जाता है, सब्ज़ी भी बन जाती है और हमारा चाय के साथ के लिए नाश्ता भी तैयार हो जाता है। बड़ा डिफरेंट और यूनिक नाश्ता है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ब्रेकफास्ट की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ में फिर कभी शेयर करूँगी, आज सिर्फ सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ पर देखिए हमारे घर में जो हमारी बुआ आती हैं खाना बनवाने के लिए, उन्होंने इसका बढ़िया सा सख्त डो लगा के रख दिया है। ये देखिए, अब यहाँ पर देखिए बिना किसी सूखे बेसन के, सूखे मतलब आटे के या ऑयल के, मैं इसको अच्छे से बेल ले रही हूँ। ये देखिए, और ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है क्योंकि इसमें हमने जो मस्टर्ड ऑयल का मोयन ऐड किया हुआ है ना, और इसको मैंने करीब आधे से पौन घंटे के लिए रेस्ट होने के लिए रख दिया था। आधे घंटे में परफेक्ट रेस्ट हो गया था। और देखिए कितनी बढ़िया, इसकी थोड़ी सी मोटी मोटी पूरी बेलनी है, छोटे छोटे साइज़ की, थोड़ी सी मोटी मोटी सी, जैसे हम लोग कचौड़ी बनाते हैं ना, कचौड़ी से थोड़ी सी मोटी। तो ये देखिए यहाँ पर छोटी छोटी बॉल तोड़कर, और इनकी मैं छोटी छोटी सी मोटी मोटी सी पूरी बेल ले रही हूँ। और ये है बुआ जिन्होंने इसका डो लगाया हुआ है। ये बड़ी ही स्वादिष्ट सब्जी बनती है। आज मैंने ढेर सारी सब्जी बनाई हुई थी और आप यकीन नहीं मानेंगे, सारी सब्जी चट हो गई बिल्कुल, सबको बहुत ही पसंद आई थी। चावल के साथ में तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो ये देखिए मैंने सारी इसकी पूड़ियाँ बेल ली हैं अच्छे से, और मैंने एक कढ़ाई में पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया था। ये रही बेसन की पूड़ी, कढ़ाई में पानी गर्म हो गया है, उबाल आ गया है, तो यहाँ पर हम एक एक करके सारी पूड़ी इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि इसमें हमने पर्याप्त मात्रा में बेसन के डो में मस्टर्ड ऑयल ऐड किया हुआ है, जिसकी वजह से ये आपस में चिपकेंगी नहीं। बस इसको कढ़ाई में ऐड करते समय इतना याद रखना है, जब भी पूड़ी ऐड करें तो एक के ऊपर एक ऐड ना करें, पानी में अलग अलग डालें, उसके बाद में ये एक के ऊपर एक आ जाएंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये कैसे परफेक्ट बॉयल होती हैं ये भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। अभी देखिए ये अभी कढ़ाई में मैंने ऐड की थी, तो ये बिल्कुल नीचे तरी में बैठी हुई हैं, जैसे ही ये कुक हो जाएंगी ना, तो ये अपने आप ऊपर उठ के आ जाएंगी। समझ लीजिए बेसन की पूरी हमारी अच्छे से पानी में कुक हो गई है। अभी भी देखिए ये बैठी हुई हैं, और जैसे ही ये तैरने लगेगी पानी में, देखिए सारी की सारी पूड़ियाँ ऊपर उठ के आ गई हैं बहुत अच्छे से। और ये देखिए पकड़ने में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है चिमटे में। तो ये देखिए हमारी जो पूड़ियाँ हैं ये अच्छे से कुक हो चुकी हैं। तो ये इनका तरीका होता है जानने का कि ये कैसे कुक होती हैं। एक एक करके सारी पूड़ी उठा लेंगे कढ़ाई से, और कढ़ाई में जो इसका पानी है ना उसको फेंकना नहीं है, क्योंकि उससे हम बनाएंगे सब्जी की ग्रेवी। इसी पानी से इसकी सब्जी की जो ग्रेवी है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। और मैं आपको एक बात और बताऊं, बिना लहसुन प्याज के भी ये सब्जी बड़ी स्वादिष्ट बनती है। ये वाली सब्जी मुझे लहसुन प्याज के बिना ही स्वादिष्ट लगती है, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। कढ़ाई में मैंने जीरा हींग ऐड कर लिया था मस्टर्ड ऑयल ऐड करके, और उसमें मैंने हरी मिर्च ऐड कर दी थी, हल्दी धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, इन सबको मैंने पानी में घोल कर ऐड कर दिया था। मैंने ना क्लिप शूट की थी लेकिन पता नहीं कैमरा ऑन नहीं हो पाया, क्या हुआ नहीं पता, कैसे मिस हो गई। तो यहाँ पर देखिए कोई भी अलग से मसाले नहीं लिए थे, यही बेसिक हमारे जो चार मसाले हैं ना इनको मैंने लिया हुआ था, और नमक ऐड कर दिया है। नमक थोड़ा सा ध्यान से ऐड कीजिएगा क्योंकि मैंने जब कतली बनाई थी बेसन की पूड़ी तो उसमें भी नमक ऐड किया हुआ था, तो इसमें थोड़ा सा अंदाज से ही नमक डालिएगा, कहीं ज़्यादा ना हो जाए। इनको बहुत अच्छे से फ्राई करना है,
जब तक ये अच्छे से भुन ना जाए। तो ये देखिए हमारी जो कतली है अच्छे से भुन गई है। तो ये वही बॉयल पानी है जिसमें हमने बेसन की पूड़ी उबाली थी, तो इसमें हमने इसको ऐड कर दिया है और इसको थोड़ी देर अच्छे से चला लेंगे। बस इसके बाद में पानी देखिए हमारा पका हुआ है, उबला हुआ है, तो इसको ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही गाड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सब्ज़ी में बेसन का पानी ऐड है। तो इससे हमारी जो तरी है ना परफेक्ट बिल्कुल बनकर तैयार होगी। और ये देखिए झटपट से हमारी ये वाली सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। पूड़ियाँ बनाने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी ये फटाफट से बन जाती है। भाभी मेरी रोटियाँ बना रही है, राइस बन रहे हैं। और आप लोगों को आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।